पत्र में एडिटोरियल पर बीजेपी पर हमलावर होती नजर आई है शिवसेना। महाराष्ट्र पर सुबह 10:30 बजे फाइनल फैसला। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई एक के बाद एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है, फ्लोर टेस्ट होने तक फडणवीस के फैसले पर रोक लगाई जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। कोई भी पॉलिसी डिसीजन न लेते देवेंद्र फडणवीस, आपने देखा होगा मनीष अवस्थी, जिस तरह उन्होंने एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस पदभार संभालते हुए नजर आए थे, लेकिन इस वक्त एक और याचिका दाखिल की गई है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में देवेंद्र फडणवीस शामिल न हो। देखिए कंचन, जिस तरह से विपक्ष कह लें या महाआघाड़ी कह लें, यह हमेशा से कह रहा है कि अल्पमत की सरकार है, और जब सरकार अल्पमत की हो जाती है तो कोई भी फैसले पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी हो जाता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कुछ ऐसे फैसले जो कि किसानों के हित के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो राग आलापा जा रहा है वो किसानों की आड़ लेकर और किसानों के साथ छल होता है। हमारे साथ ऐश्वर्य जैन सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं बाहर से। ऐश्वर्य, एक और याचिका यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की तरफ से दायर की गई है। याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस किसी भी तरीके के पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में शामिल ना हो, और जब तक फ्लोर टेस्ट ना हो जाता है देवेंद्र फडणवीस किसी भी तरीके की डिसीजन नहीं ले सकते, इस तरीके की याचिका शामिल की गई है। साथ ही में इस याचिका में यह भी कहा गया है कि अजीत पवार को जिस तरीके से कल एसीबी ने क्लीन चिट दी है, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस किए गए थे एरिकेशन स्कैम के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं उस पर रोक लगानी चाहिए। तो ये इस तरीके की याचिका शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर आज सुप्रीम कोर्ट में दायर करी है। अब ये देखना होगा कि जब 10:30 बजे ऑर्डर आएगा तो इसी वक्त ये याचिका को सुना जाएगा इसी बेंच द्वारा या फिर इस पे अलग से सुनवाई होगी। ऐश्वर्या, ये जो याचिका है, ये याचिका नए सिरे से दर्ज की गई है। जो अपील है सबकी वो ये है कि कल जो 9 केसेस अजीत पवार के खिलाफ थे भ्रष्टाचार वाले, वो केसेस विड्रॉ कर लिए गए, और ये अंदेशा है कि अगर अजीत पवार आ जाते हैं, अजीत पवार फ्लोर टेस्ट में बीजेपी सरकार जीत लेती है तो ये सारे केसेस का क्या होगा। जी बिल्कुल, इसी वजह से इस पूरे फैसले को चुनौती दी है शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस ने कि जिस तरीके से कल एसीबी ने क्लीन चिट दी है अजीत पवार को, लेकिन हालांकि एसीबी की तरफ से साफ मना किया गया था कि इसमें अजीत पवार का कोई रोल नहीं है, लेकिन इरिगेशन स्कैम में सभी को पता है कि 70,000 करोड़ के मामले में अजीत पवार कहीं ना कहीं फंसे थे, और इसी वजह से आज शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस ने एक फ्रेश पिटिशन दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, और इसको शुरू से सुना जाएगा या फिर जब ऑर्डर ये जो जज बेंच 10:30 बजे ऑर्डर सुनाएगी कि फ्लोर टेस्ट हो या ना हो, इसी के बीच इसको सुना जाएगा, इसका फैसला अभी होना है। लेकिन हाल फिलहाल इन दोनों चीजों को, देवेंद्र फडणवीस को किसी भी पॉलिसी डिसीजन में शामिल ना हो और अजीत पवार को क्लीन चिट मिलने पर चुनौती दी है, इस पिटिशन में साफ तौर पर कहा गया है कि इस पर सुनवाई होनी चाहिए और इस पर जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। जी ऐश्वर्य, मूल्यों की गिरावट के बीच आज संविधान दिवस भी है। अजीबोगरीब राजनीति है कि जो भ्रष्टाचार ऐसा लगता है ईश्वर के बाद सर्वव्यापी हो गया, और राजनेताओं को इससे कोई गुरेज नहीं। संजय द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, ललाट पर जो ये विजय तिलक दिख रहा है आपका, ये क्या है? हेलो जी, ये क्या है? ये विजय, ये कल मनीष जी, कल जो है शिवसेना एनसीपी कांग्रेस द्वारा 162 विधायकों को आपका के लिए दिखाएगा सबको। आप ये समझ लीजिए मेरे पास 162-165 विधायक हैं आज की डेट में। और ये आप दावा कर रहे हैं द्विवेदी जी, द्विवेदी जी ये आप दावा कर रहे हैं वहां पर जब कल सौगंध ली गई है, सौगंध में 162 की संख्या होने को लेकर एक पशुपेश और असमंजस की स्थिति है कि वहां पर 162 थे या नहीं? नहीं तो वो तो मनीष जी, फ्लोर जब टेस्ट होगा तो तुम सिद्ध कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मगर मैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं, अगर वो सही बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं। भाई 145 ज्यादा इसके विधायक होंगे, मुख्यमंत्री उसी का बनेगा। हमने कहा 162 हमारे पास है, आपको विश्वास नहीं है, मीडिया को विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास की नहीं है। कल आप लोगों ने सौगंध खाई है,
और जी कल आप लोगों ने सौगंध खाई है और उस सौगंध में 162 का आंकड़ा नहीं दिख रहा था, हालांकि पीछे लिखा हुआ था हमी 162 नहीं दिख रहा। जी जी 162 है हमारे, 162 से 165 विधायक साथ में है, वो मैं फ्लोर टेस्ट में सिद्ध कर दूंगा। भाई अगर अगर फर्नांडिस के पास 145 विधायक आए तो क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट करा लेते हैं? वो 14 के समय क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं? हम पे सीधी सी बात कर रहे हैं, चोरों से सरकार बनाई गई है। जब 22 तारीख को निश्चय हो गया था कि उद्धव ठाकरे माननीय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इनको चोरों से राज्य सरकार क्यों बनाने की क्या जरूरत थी? और ये भी मालूम था अगले दिन हम लोग राज्यपाल जी से मिलकर देने जा रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, कुछ देर पहले संजय राउत का ट्वीट आया था 162 एंड मोर वेट एंड वॉच, और क्या दिखाना चाहती है आपकी पार्टी? हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, 162 एंड मोर, मैंने भी ये बात कही आपने ना कि 162 से ज्यादा होंगे, ये विश्वास है। और जहां तक हिंदुस्तान का शिवसैनिक है वो आज बहुत खुश है, उसने माने उद्धव ठाकरे को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है कि उन्होंने झूठा सिद्ध करने वाले जी, कुछ देर की बात है, आपके पुराने सहयोगी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नवीन कुमार भी होंगे और आज से सीधा रूबरू कराएंगे, सामना कराएंगे, अखबार के जरिए नहीं टीवी के जरिए, क्योंकि आप लोगों ने अगर संपर्क साध लिया होता, समन्वय होता, आप लोगों ने तो बात ही नहीं की सरकार बनाने की, कि सरकार बनाई जाए या नहीं, मीडिया के जरिए आप लोगों ने बातें की, तो अभी आपका सामना कराते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से। नहीं नहीं मनीष जी देखिए, मैं जितने अपने इंडिया न्यूज के व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूं, जब हमने 2.5 साल की बात की तो जब फर्नांडिस जी ने मना कर दिया कि हम माने उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं और 5 साल के लिए मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, आज उन्होंने इस बात सिद्ध कर दी। लेकिन उसके बाद तो आपकी पार्टी की तरफ से भी अजीत पवार को ये निमंत्रण दिया गया था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री आप रहिएगा, ऐसे आदमी बने हैं? नहीं नहीं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं मालूम है कि द्विवेदी जी बने रहेगा। इसी बीच ये भी बता दें हम अपने दर्शकों को कि एक तरफ तो